हेलो एवरीवन, आई एम प्रति जी फ्रॉम डीके एजुकेशन एकेडमी। सो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे क्लास 8 सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 2। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये फर्स्ट जो सेंटेंस है, द इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड द इमेजिनेशन ऑफ फ्री इंडिया। इंडियन नेशनल मूवमेंट का मतलब है कि जब हमारे जो इंडियन लीडर्स थे स्ट्रगल कर रहे थे कि इंडिया कब फ्री होगा ब्रिटिश के रूल से, तो वो क्या सोचते थे कि जब फ्री हो जाएगा तो हम ये चीजें करेंगे। मतलब दिमाग में एक बार थॉट आता है ना कि हाँ, जब कॉलोनियल पीरियड से, मतलब कॉलोनियल पीरियड मतलब है कॉलोनिज्म का रूल जब चल रहा था, ठीक है, उस रूल से जब हम खत्म होंगे, जब इंडिया खुद फ्री होगा, अपने डिसीजन खुद ले सकेगा, तो हम क्या क्या चीजें जो है फॉलो करेंगे। तो एक बार देखते हैं कि उनके क्या आइडियाज थे। तो डेमोक्रेसी लाएंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। पहला तो ये था कि डेमोक्रेसी लाएंगे, बिकॉज इसलिए लाना चाहते थे डेमोक्रेसी क्योंकि जो कॉलोनियल रूल था उससे काफी ज्यादा सफर करा था इंडियंस ने, ठीक है, क्योंकि कॉलोनियल रूल एक तरह से ऑथोरिटेरियन रूल था। ऑथोरिटेरियन मतलब एक प्रेशराइज था इंडियंस पे, इंडियंस पे काफी अत्याचार करा जाता था। तो कॉलोनियल रूल नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि डेमोक्रेसी आए जिसकी वजह से लोगों के पास पावर हो, लोग अपना लीडर खुद चूज कर सके और लोगों को इक्वल पार्टिसिपेशन समझा जाए। कोई भी डिसीजन हो कंट्री के अंदर तो लोगों की उतनी अहम भूमिका होनी चाहिए, ठीक है, तो इसलिए डेमोक्रेसी को लाना चाहते थे। और जैसा कि ये हुआ, अचीव भी करा इंडिया ने, ठीक है, इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी आई। बट किसी के एक के सोचने से ही नहीं हुआ, ये स्टार्ट होता है कॉन्स्टिट्यूएंसी असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होता है जिसके अंदर 300 मेंबर थे जिन्हें कॉन्स्टिट्यूशन पे डिबेट करा, डिस्कस करा, तब जाके कॉन्स्टिट्यूशन निकलकर हमारे सामने आया, ठीक है, किसी एक जने ने कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाया। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर 300 पीपल थे जिन्हें बात करी इस पे कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चीजें होनी चाहिए, क्या चीजें नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तो तब जाके एक कॉन्स्टिट्यूशन हमने देखा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूशन का जो ड्राफ्ट था, एज अ ड्राफ्ट हम कह सकते हैं एक कच्चा चिट्ठा, ठीक है, कि रफली कि कौन बना के लाया था, तो ये जो ड्राफ्ट था ये बनाया था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ठीक है, ये ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने ही कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट बनाया था और उस ड्राफ्ट पे ही आगे जाके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिस्कस करा गया था उस ड्राफ्ट से रिलेटेड कि ये चीजें होनी चाहिए ये नहीं, ठीक है। अब देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था तो उनके सामने ऐसे क्या चैलेंजेस थे जो उन्हें फेस करने पड़े थे। तो चैलेंजेस पहला ये था डाइवर्सिटी। इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, हम जानते हैं कि यहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार के लोग देखने को मिलते हैं, अलग लैंग्वेज है, अलग कल्चर है। जैसे कि अभी हम महाराष्ट्र चल जाए तो वहां पे मराठी बोलेंगे, ठीक है, और उनका कल्चर अलग होगा। राजस्थान में चल जाए तो लैंग्वेज अलग, कल्चर अलग। तो ऐसे डाइवर्स ग्रुप इतने सारे थे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि हमें इस चीज पे ध्यान में रखना कि इतने डाइवर्स पीपल का ग्रुप है, तो हम एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाए जो सब लोग उस पर एग्री हो। तो डाइवर्सिटी को ध्यान में रख के एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया जिस पे सभी एग्री हो, और हालांकि वो सारे के सारे एग्री हुए उस चीज पे। तो फर्स्ट पॉइंट ये था। सेकंड इज पार्टीशन। 1947 के अंदर जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी, साथ में पार्टीशन भी हुआ था। पार्टीशन, हिंदुस्तान सेपरेट फॉर हिंदूज एंड पाकिस्तान सेपरेट फॉर मुस्लिम कंट्री बनाई गई थी। तो जब ये दो रिलीजन का पार्टीशन हुआ था उस टाइम पे एक ऐसी सिचुएशन थी, हम कह सकते हैं कि काफी ज्यादा लोग मारे गए थे, ठीक है, वुमेन्स का काफी वुमेन का भी बुरा हाल था। मतलब एक ऐसी सिचुएशन थी, हमने पुराने मूवीज में भी देखा होगा पार्टीशन का, तो ठीक है, तो एक ऐसी सिचुएशन से जब हम लोग बाहर निकले थे तो उसको भी ध्यान में रख के ये भी चैलेंज था कि कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना है उस टाइम पे कैसा होना चाहिए, क्योंकि लोगों के दिमाग में भी रिलीजन को लेकर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होगा। जैसे कि आज के टाइम पे भी ऐसा है, जैसे कि इंडिया का भी किसी भी कंट्री के साथ मैच आता है, चाहे न्यूजीलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है, बट लोगों को इंटरेस्ट सबसे ज्यादा तब आता है जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच आता है, ठीक है, क्योंकि कह सकते हैं एक आइडियोलॉजी ऑफ थिंकिंग जो है, ठीक है। तो ये एक चीज थी, इसको भी ध्यान में रखा। दूसरा आप देखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट। प्रिंसली स्टेट जो राजा वगैरह जहां रहते थे, अब उन मोनार्की रूल को भी खत्म करा गया था क्योंकि लोग धीरे धीरे क्या डेमोक्रेसी की तरफ चलने जा रहे थे, ठीक है, तो लोग नहीं चाहते थे वो मोनार्की रूल में रहे कि उनपे किंग का रूल हो, ठीक है, वो चाहते थे लोगों की पावर हो, उनके पास इक्वल एज अ डिसीजन मेकिंग पावर हो, तो वो
मोनार्की रूल को हटके एज अ डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक सोच की तरह सोचने लग गए थे, ठीक है, उसको अपनाने के लिए। तो प्रिंसली स्टेट के पास एक ये भी ऑप्शन था कि वो क्या कर सकते हैं, या तो फिर वो मुस्लिम में चल जाए, ठीक है, मुस्लिम कम्युनिटी के एरिया के अंदर चल जाए पाकिस्तान में, या हिंदुस्तान की हिंदू कम्युनिटी के साथ जुड़ जाए, या तो फिर अपना एक अलग स्टेट बनाए तो अपना एक अलग राज्य बना के भी रह सकते हैं जिसके अंदर सारे लोग एग्री हो मोनार्की रूल की, वहां पर जाके। तो धीरे धीरे क्या हुआ, हम देखें कि मोनार्की रूल खत्म होता गया और डेमोक्रेसी की तरफ लोग चढ़ गए, ठीक है। और जैसे कि हालांकि हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बना जिसके अंदर डाइवर्सिटी प्लस नेशनल यूनिटी, नेशनल यूनिटी मतलब है राष्ट्रीय एकता को ध्यान में रखते हुए एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जिसपे सारे लोग एग्री थे। हम नहीं चाहते थे कि एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बने जिससे सारी कम्युनिटी, सारे रीजन अलग अलग हो जाए, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन एक बनाया जिसकी वजह से सब लोग मिलके रह सके, ठीक है। ये सब चीजें ध्यान में रखे, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आज तक ठीक चल रहा है, ठीक है, 72 या 71 ईयर्स हो चुके हैं और कॉन्स्टिट्यूशन अब तक वही है। तो अब स्टार्ट करते हैं हम बेसिकली व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के क्या की फीचर्स हैं। तो हमने ये की फीचर्स देखे थे, फेडरलिज्म, ठीक है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फंडामेंटल राइट, सेपरेशन ऑफ पावर एंड सेक्युलरिज्म। तो सबसे पहले हम देखेंगे फेडरलिज्म। फेडरलिज्म होता है कि एक से ज्यादा गवर्नमेंट होना, ठीक है, मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट हमें देखने को मिलती है, वो होता है फेडरलिज्म। मतलब पावर को डिवाइड कर देना, डिवीजन ऑफ पावर, उसे हम फेडरलिज्म कहेंगे। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट है जो सेंटर पे होगी, केंद्र गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को यूनियन गवर्नमेंट भी कहा जाता है। सेकंड, स्टेट गवर्नमेंट जो स्टेट की गवर्नमेंट होगी, और थर्ड, लोकल गवर्नमेंट जो लोकल एरियाज मतलब डिस्ट्रिक्ट, पंचायत, इनकी गवर्नमेंट होगी, वो हमारी लोकल गवर्नमेंट में होगा, ठीक है। अब इससे एक अच्छा फायदा ये क्या है कि जैसे कि एग्जांपल लेते हैं इससे, जैसे कि एक स्कूल है, स्कूल के अंदर क्या एक प्रिंसिपल सारी चीजों को संभाल सकती है? नहीं। तो वो तभी क्या करती है, सीनियर टीचर रखती है, जूनियर टीचर रखती है, कि सीनियर टीचर क्या होगी, वो सीनियर लेवल की जो चीजें होगी उसको संभालेगी, जूनियर टीचर अपना देखेगी, ठीक है। तो ये इससे क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन और जो काम होता है वो अच्छे ढंग से चल सकता है, ठीक है। अगर एक ही जना सारी चीजों के पास उसकी पावर है, वो ही सारी चीजें संभालेगा, तो ये अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन वर्क नहीं कर पाएगी। इसलिए लेवल ऑफ गवर्नमेंट वर्क रखने से, पावर का डिवाइड होने से एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रांग होता है और अच्छे से काम करता है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि ये जो लिस्ट है, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ पावर स्टेट गवर्नमेंट को दी गई है, ठीक है, पर इसका मतलब ये नहीं स्टेट गवर्नमेंट बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका है, उसे सुननी अभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट एक यूनियन गवर्नमेंट है और उससे ऊपर की पोस्ट पे, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो बातें होगी उससे स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट को सुननी पड़ेगी, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ पावर स्टेट गवर्नमेंट को दी है। सो अब हम देखेंगे कि ऐसे क्या इश्यूज है जिसपे सेंट्रल गवर्नमेंट ध्यान दे सकती है सिर्फ, या ऐसे कौन से इश्यूज है जिसपे सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ध्यान दे सकती है, या ऐसे कौन से इश्यूज है जिसपे दोनों गवर्नमेंट मिलकर उस चीज को देखती है। तो ये लिस्ट है लेजिस्लेचर पावर के अंदर, हमें ये तीनों लिस्ट देखने को मिलती है। फर्स्ट है यूनियन लिस्ट, सेकंड स्टेट लिस्ट, थर्ड कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। तो स्टेट लिस्ट होती है जिसके अंदर नेशनल इंपॉर्टेंस की बात करी जाती है, जिसके अंदर राष्ट्र की इंपॉर्टेंस को रिलेटेड बात करी जाती है। जैसे एक एग्जाम्पल हो गया, डिफेंस से रिलेटेड, फॉरेन अफेयर से रिलेटेड, बैंकिंग से रिलेटेड, कम्युनिकेशन से रिलेटेड, या करेंसी से रिलेटेड, जिससे रिलेटेड चीजें होगी उसको कौन ध्यान रखेगा, उसका स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, यानी यूनियन गवर्नमेंट उसका ध्यान रखेगी इससे रिलेटेड अगर कोई चीज होती है तो। अब देखेंगे स्टेट लिस्ट क्या होता है। स्टेट लिस्ट होता है जिसके अंदर स्टेट की या लोकल इंपॉर्टेंस की बात करी जाती है, जैसे कि पुलिस की, ट्रेड की, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, इन सब चीजों की अगर बात होती है तो वो देखेंगे स्टेट गवर्नमेंट हैंडल करेगी उन्हें, ठीक है। अब देखेंगे थर्ड कॉन्करेंट लिस्ट होते हैं जिसके अंदर बोथ दोनों देखेंगे, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों देखेंगे इन इश्यूज पे, एजुकेशन, फॉरेस्ट से रिलेटेड, मैरिज एक्सेट्रा, इन इश्यूज पे दोनों गवर्नमेंट मिलकर ध्यान दे से हैंडल करेंगे उस चीजों को। तो ये तीन लिस्ट हमने देख लिया। तो फेडरलिज्म क्लियर हुआ कि लेवल ऑफ गवर्नमेंट हमें देखने को मिला। अब नेक्स्ट देखेंगे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है जिसके अंदर एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो बेस्ड है पार्लियामेंट में, ठीक है। इसको हम देखेंगे जैसे कि हम अपना एक इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव एज अ लीडर चूज करते हैं,
इलेक्टेड क्यों? क्योंकि लोगों द्वारा वो इलेक्ट करके आया है, और रिप्रेजेंटेटिव इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि लोगों ने तो चुना है ना उस लीडर को, तो लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर, ठीक है। इसके अंदर हम पढ़ चुके हैं यूएएफ, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, जो हम जानते हैं कि 18 साल से अबव भी वोटिंग राइट्स मिल सकती है, ठीक है। तो इसके अंदर ये एक पॉइंट आएगा। दूसरा, लोग डायरेक्टली इलेक्ट कर सकते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को, अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को डायरेक्टली इलेक्ट करके एज अ गवर्नमेंट बना सकते हैं, तो ये लोगों के पास पावर है। दूसरा, इसमें एक पॉइंट ऐड हुआ है कि अकाउंटेबल टू द पीपल, ठीक है। ये पॉइंट ये क्या है कि जो इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव बन चुका है वो अकाउंटेबल है टू द पीपल, कि उससे लोगों को आंसर देना पड़ेगा अगर कोई भी चीज सरकार सोसाइटी के अंदर होती है, अगर कोई भी ऐसा इश्यू या कोई भी चीज कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है तो लोग जाके उसे पूछेंगे। जैसे कि एग्जांपल ले लो, प्याज के अगर दाम बढ़ जाते हैं तो लोग क्या करते हैं, सरकार से जाके पूछेंगे। सरकार से क्यों पूछेंगे? क्योंकि उन्हीं ने तो सरकार को बनाया है, सरकार को वोट देके चूज करा है, ठीक है। उन्हें तो अपना एक उम्मीदवार को वोट दिया, तब जाके सरकार बनी, ठीक है। तो उस वो आंसरेबल होगा टू द पीपल को, ठीक है, लोगों को। जैसे कि स्कूल के अंदर क्या होता है, जैसे कि मैम एक मॉनिटर बनाती है, ठीक है, अगर क्लास के अंदर कोई भी शोर होता है तो मैम जाके सीधा मॉनिटर से पूछते कि क्यों ऐसे, तो जैसे वो मॉनिटर मैम को आंसर देगा वैसे ही सरकार को भी लोगों को एक अकाउंटेबल आंसर देना पड़ेगा उस चीज का कि क्यों हुआ, ठीक है। तो अंडर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पीपल इलेक्टेड द रिप्रेजेंटेटिव टू अकाउंटेबल टू द पीपल, ठीक है, वो एक अकाउंटेबल है लोगों के लिए, आंसरेबल देना पड़ेगा उसको। तो ये है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब हम देखेंगे सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर क्या है, इसके अंदर हम पार्लियामेंट के तीन ऑर्गन्स को अच्छे से पढ़ेंगे। अब काम जो क्या है, काम जो हमारा सारा काम है, जैसे कि गवर्नमेंट का जो काम है कि कोई एक सेक्शन तो नहीं कर सकता, उसके लिए काम को हम डिवाइड करते हैं। जैसे कि घर में क्या होता है, मम्मी क्या करती है कि जो बड़ा भाई होता है उसको इतना काम देती है, छोटे भाई को थोड़ा और कम, और अगर उससे छोटा होता है तो उसको और कम। तो मतलब काम को ऐसे तीन सेक्शन में बांट देती है जिससे वो अपना काम अच्छे से कर सके। तो जो बड़ा भाई होता है उसको उसके हिसाब से काम मिलता है कि वो अच्छे से कर पाए। तो वैसे ही हमें थ्री ऑर्गन्स ऑफ पार्लियामेंट को देखने को मिलेंगे। तो पहला है लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर वो ऑर्गन है जहां पर लॉज बनते हैं, ठीक है, जहां पर लॉज को बनाया जाता है कि ये लॉज होने चाहिए, ये लॉज मतलब क्या होने चाहिए, ऐड होना चाहिए, ठीक है। तो एक लॉ बनाया, जैसे कि अभी जो चला था चलान का, ठीक है, अगर हेलमेट नहीं पहनेंगे तो उस पर इतना चलान बनेगा। तो ये लॉ बनाया लेजिस्लेचर ने। एग्जीक्यूटिव वो डिपार्टमेंट होता है, ये सेकंड ऑर्गन है। एग्जीक्यूटिव वो डिपार्टमेंट है जहां पर लॉज इम्प्लीमेंट होंगे यानी लागू होंगे, ठीक है, ये एग्जीक्यूटिव देखेगा। एग्जीक्यूटिव में आगे देखते हैं, फिर मैं बताऊंगी कि इसके अंदर कौन कौन से मेंबर्स होते हैं। इसके बाद है जुडिशियरी। जुडिशियरी वो डिपार्टमेंट है, इसे कोर्ट का सिस्टम कहा जा सकता है एक तरह से। यहां पर जितने भी डिस्प्यूट्स होते हैं, लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, वो यहां पर रिजोल्व करे जाते हैं। तो जुडिशियरी जो है थर्ड ऑर्गन है पार्लियामेंट का, ठीक है। अब लेजिस्लेचर में क्या होता है कि लेजिस्लेचर में जो हम अपने इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव को वोट देके इलेक्ट करते हैं ना, वो लेजिस्लेचर में आते हैं, जैसे कि एमपी, एमएलएस, ये सारे हमारे लेजिस्लेचर में आते हैं। एग्जीक्यूटिव के अंदर वो लोग आते हैं, पुलिस हो गया, आईपीएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर, तो ये लोग हमारे सिविल सर्वेंट जो है हमारे एग्जीक्यूटिव में आते हैं। और जुडिशियरी में हम जानते हैं जैसे कि जज का सिस्टम है, मतलब एक तरह से कोर्ट सिस्टम है, जिसके अंदर हमारे अगर कोई भी विवाद होते हैं कंट्री के बीच में, स्टेट के बीच में अगर कोई भी लड़ाई होती है तो यहां पर रिजॉल्व करी जाएगी। तो ये तीन ऑर्गन है सेपरेशन ऑफ पावर के अंदर, हमने समझ लिया, ठीक है। अब हम देखेंगे फंडामेंटल राइट्स। अब फंडामेंटल राइट्स हमें क्यों दी गई, ठीक है, ये जैसे कि मैंने तुम्हें पहले बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल राइट्स एक तरीके से समझो हमारे एकदम कोर है, मेन चीज है फंडामेंटल। अब पूरा कॉन्स्टिट्यूशन को तो हम पढ़ने नहीं बैठेंगे, ठीक है। तो कुछ बेसिक चीजें हैं, बेसिक राइट्स हैं जो कभी भी चेंज नहीं हो सकते, वो हमारे फंडामेंटल राइट्स। और हमें प्रोटेक्ट करते हैं किस चीज से, कि कोई अपनी पावर का मिसयूज ना करे, अपनी पोजीशन और पावर का मिसयूज ना करे, इसलिए हमारे फंडामेंटल राइट्स हमें प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर घर से बाहर खेलने नहीं जाने दे रहे तो हम कह सकते हैं कि मेरे पास राइट है, राइट टू मूव फ्रीली, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या हमें बचाते हैं उस चीज से। पर अभी तो लॉकडाउन चल रहा है तो अभी नहीं खेलना है कुछ भी, ठीक है। तो
तो फंडामेंटल राइट्स में क्या होते हैं, हमें प्रोटेक्ट करते हैं सिटीजन को अगेंस्ट किसी भी एर्बिटेरी रूल कह लो या एकदम पावरफुल अथॉरिटेरियन रूल से बचाता है, वो है हमारे फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स में अंदर हमारे ये सेफ गार्ड है, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल राइट्स हमारे सेफ गार्ड है जो हमें बचाते हैं अगर कोई अपनी पावर का मिसयूज करता है, अपनी पावर और पोजीशन का अगर मिसयूज करता है तो उससे हमें फंडामेंटल राइट्स बचाते हैं, क्योंकि वो हर एक सिटीजन के लिए फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, वो प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट मिसयूज ऑफ एनी अदर पीपल, ठीक है। तो फर्स्ट है राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी है ऑल पर्सन आर इक्वल बिफोर द लॉ, हर एक पर्सन इक्वल है बिफोर द लॉ, ठीक है, चाहे वो पर्सन किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी जेंडर का हो, ठीक है, उसको इक्वली ट्रीट करा जाएगा, उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, डिस्क्रिमिनेट मतलब भेदभाव नहीं करेंगे, उसको इक्वली ट्रीट करा जाएगा, यह है राइट टू इक्वालिटी। और उसको मना नहीं करा जाएगा, क्योंकि पहले के टाइम पे क्या होते थे, छुआछूत होता था, अनटचेबिलिटी, ठीक है, हमने क्लास सेवन्थ में पढ़ा है, ठीक है, तो अनटचेबिलिटी ये चीजें होती थी, इसको एब्लॉश करा गया, खत्म करा गया, और राइट टू इक्वालिटी मतलब इक्वली ट्रीट करा जाएगा हर एक पर्सन को, ठीक है। नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम। राइट ऑफ फ्रीडम हम कह सकते हैं, राइट ऑफ फ्रीडम मतलब किस चीज की फ्रीडम, आजादी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, हमें बोलने की आजादी, एक्सप्रेस करने की अपने व्यू को, हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू को पब्लिक प्लेसेस पे या कहीं पे भी हम अपने ओपिनियन रख सकते हैं, हमें बोलने की आजादी है, ठीक है, और मूव फ्रीली, इसमें एक चीज है कि मूव हम कहीं पे भी मूव कर सकते हैं, एनी पार्ट ऑफ अदर कंट्री, ठीक है, किसी भी जगह अगर हम जाना चाहें तो ये फ्रीडम के उसमें आएगा हमारा। दूसरा, अगर हम कोई भी प्रोफेशन या कोई भी ऑक्यूपेशन करना चाहते हैं तो उसकी भी हमें आजादी होनी चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए, तो ये है राइट टू फ्रीडम, ठीक है। इसके अंदर हमने देखा कि स्पीच, एक्सप्रेशन और मूव फ्रीली इन एनी पार्ट ऑफ कंट्री, ठीक है, तो इसकी हमें आजादी देता है ये राइट, राइट टू फ्रीडम। राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये है थर्ड फंडामेंटल राइट जो है, जिसके अंदर क्या स्टेट ना इसमें ये चीज नहीं कर सकता, अगर ऐसा करता है तो लोग जाके कोर्ट में केस भी कर सकते हैं, उनके पास ये राइट है, ठीक है। राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन का मतलब है, जैसे कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, जैसे कि ह्यूमन के जो ऑर्गन्स है उन्हें बेचा जाता है, तो ये चीज ना हो। सेकंड, फोर्स लेबर। फोर्स लेबर मतलब है बंधवा मजदूर, जिन्हें जबरदस्ती फोर्स करके उन लेबरों से काम कराया जाता है, जो मजदूर होता है उनको काम कराया जाता है, उनको वेजेस भी नहीं मिलती है, ठीक है, तो ये फोर्स लेबर नहीं होना चाहिए। थर्ड, जो बच्चे चाइल्ड लेबर, जो बच्चे 14 साल से कम है वो काम नहीं करेंगे, इस चीज पे ध्यान दिया गया, ठीक है, तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए, ये हमारे राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के अंदर आएगा, ठीक है, इस पे स्ट्रिक्ट ध्यान दे, अगर ऐसी चीजें होती है तो उस पर स्ट्रिक्टली एक्शन लिया जाए, ठीक है, तो ये चीज हमारे फंडामेंटल राइट में है। नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है, चाहे हम किसी भी रिलीजन के हो, हमें ये राइट है कि हम फ्रीडम है कि हम स्पीच बोल सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने पॉइंट, अपने व्यूज, ठीक है, अपने कल्चर को मना सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम किसी भी कल्चर के हों पर मेजॉरिटी के जो लोग होते हैं ना वो हमेशा डोमिनेंस होते हैं मिनोरिटी पे, जैसे कि अगर मुस्लिम लोग है एक जगह पे काफी हिंदू है पर मुस्लिम लोग कम है, तो जो मिनोरिटी में ना मेजॉरिटी लोग उन्हें हमेशा दबाएंगे, ठीक है, तो ये चीज ना हो, वो किसी भी रिलीजन के हो, वो अपना कल्चर अपना रिलीजन जो भी है उसको राइट है, ठीक है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, उन्हें जिस भी रिलीजन के हो उनको उसका हक दिया जाएगा, एडुकेशन में हो या किसी भी चीज में। नेक्स्ट है कल्चर एंड एडुकेशन राइट। कल्चर और एडुकेशन, इसके हम समझ ही गएंगे, चाहे हम किसी भी कल्चर को मानते हो, किसी भी कल्चर को मनाते हो, उसका हमें राइट दिया जाए, उसकी फ्रीडम दी जाए, और साथ में एडुकेशन राइट दिया जाए, हर एक सिटीजन को शिक्षा लेने का राइट होना चाहिए, ठीक है, तो ये था राइट। लास्ट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये जो हमारा राइट है इसमें बताता है कि अगर कोई हमारी फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, मतलब हार्म करता है या नुकसान पहुंचाता है हमारे फंडामेंटल राइट्स को, ठीक है, तो उसको हम कोर्ट में भी लेके जा सकते हैं, ये हमें अलाउ करता है ये कॉन्स्टिट्यूशन। अगर जैसे कि कोई हमारी राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच हमसे छीन रहा है, ठीक है, हमें बोलने की आजादी नहीं है, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, उसने हमारी फंडामेंटल राइट्स को एक्सप्लॉइट करा है, ठीक है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, उसमें कोर्ट में जाके भी केस कर सकते हैं उस चीज के लिए, ठीक है। तो ये थे हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स। अब हम देखेंगे एक सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म मतलब होता है कि डिड नॉट ऑफिशियली प्रमोट एनी रिलीजन, किसी भी रिलीजन को प्रमोट नहीं करना,
जैसे कि इंडिया को कहा जाता है इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट, इंडिया के अंदर सारे रिलीजन के लोग रहते हैं, पर किसी एक भी रिलीजन को हम ऑफिशियली प्रमोट नहीं करते कि हाँ हिंदूज को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है, मुस्लिम को नहीं दी जा रही, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो सेक्युलरिज्म मतलब है कि सारे रिलीजन के एक साथ रह सकते हैं और पर उनमें से किसी भी रिलीजन को प्रमोट नहीं किया जाता। जैसे कि हम एग्जाम्पल में ले सकते हैं, जो तुम्हारी पॉलिटिकल की बुक है वो एक सेक्युलर बुक नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि भाई उसमें रिलीजन के बारे में तो कुछ लिखा ही नहीं, तो वो एक सेकुलर बुक नहीं है। बट जो भगवत गीता है वो एक सेकुलर बुक है क्योंकि उसमें हिंदू के रिलीजन के बारे में लिखा है। जैसे कोई कुरान है उसमें मुस्लिम के रिलीजन के बारे में लिखा है, ठीक है। तो ये जो बुक हुई ये हुई सेकुलर बुक क्योंकि इसमें रिलीजन के बारे में लिखा है, ठीक है। तो जिसमें रिलीजन को मैटर नहीं करता वो चीज सेकुलरिज्म है, ठीक है। कि इंडिया भी एक ऐसा है जिसके अंदर वो ऑफिशियली किसी भी रिलीजन को प्रमोट नहीं करता, वो है सेकुलरिज्म। क्लियर है? थैंक्स टू वॉच माई वीडियो, और अगर कुछ भी डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हो और अपना फीडबैक जरूर देना।